Today we are going to discuss the regulation of glycogen metabolism. Glycogen metabolism में दो एंजाइम हैं, GS and GP. Glycogen synthase and glycogen phosphorylase. Glycogen synthase synthesis करवाएगा और GP जो है glycogen phosphorylase ये glycogen का breakdown करवाएगा. ग्लाइकोजन सिंथेज और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का रेगुलेशन फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोरेशन से किया जाता है. एक ट्रिक दे देता हूँ कि कौन सा एंजाइम फॉस्फोरेशन से ऑफ होगा और कौन सा वाला ऑन होगा. देखिए ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, इसमें पहले से फॉस्फोराइलेज वर्ड ऐड है, इसका मतलब जब इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो ये ऑन हो जाता है, और जो GS है इस पर जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो ये ऑफ हो जाता है. हमें यह बताया कि ग्लाइकोजन से अगर हमें ग्लूकोज बनाना है तो चाहिए जीपी, और यह घटना कहलाती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में यदि कम हो जाती है तभी इसको किया जाता है, और बॉडी में यानी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए कौन सा वाला हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्लूकेगॉन. इसका मतलब ग्लूकेगॉन के रिस्पॉन्स में ग्लाइकोजिनोलाइसिस की घटना होती है और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है. यदि बात करें ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को बनाने की, एंजाइम का नाम होगा GS, तो ये घटना कब होगी? जब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में अधिक मात्रा में ब्लड में है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाएगा, और ये काम कौन करेगा? इंसुलिन. एक और हार्मोन होता है एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन हार्मोन, ये भी ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन ये हार्मोन सिर्फ मसल्स पर एक्ट करता है. एड्रेनलिन हार्मोन, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, जो कि स्ट्रेस कंडीशन में बॉडी में सिक्रेट किया जाता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी देने के लिए इसका सिक्रेशन होता है, और स्पेशली मसल्स के अंदर. देखते हैं नेक्स्ट. हम बात करें ग्लाइकोजन सिंथेज की. मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ग्लाइकोजन सिंथेज पर जब फॉस्फेट ग्रुप आप ऐड कर दोगे तो ये ऑफ हो जाएगा. ये इंपॉर्टेंट है, लर्न करना है इसको हमें. इसकी टू फॉर्म्स हैं, एक्टिव फॉर्म जो कि डीफॉस्फोरिलेटेड होती है, इसको कहते हैं ग्लाइकोजन सिंथेज फर्स्ट, और ये ग्लूकोज 6 इंडिपेंडेंट होती है. दूसरी फॉर्म जो होती है वो लेस एक्टिव फॉर्म होती है जो कि फॉस्फोरिलेटेड होती है, इसको कहते हैं ग्लाइकोजन सिंथेज डी, और ये ग्लूकोज फॉस्फेट डिपेंडेंट होती है. अब एक एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज. ग्लाइकोजन काइनेज सिंथेज काइनेज ये क्या करता है? जीएस का फॉस्फोरिलेशन करता है. ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज जीएस का फॉस्फोरिलेशन कर देता है, और इसकी वजह से ये क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है. यदि जीएस को ऑन करना है तो हमें एंजाइम चाहिए फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज, जो कि इसके फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज कर देगा और जीएस को ऑन कर देगा. तो फॉस्फेटेज एंजाइम जो है फॉस्फेटेज फर्स्ट, ये जीएस को ऑन करने में हेल्प करेगा, और ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज ये एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज का फॉस्फोरेशन करके इसको ऑफ कर देगा. अब हम देखते हैं कि इंसुलिन कैसे एक्ट करता है. जब भी बॉडी में ब्लड शुगर, जनरली ये होती है 60-90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर,
आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद में करीबन वंस एक से दो घंटे तक ये करीब 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो सकती है, लेकिन इसको वापस 90 तक कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। जैसे ही ब्लड शुगर हाई होती है तो इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। इंसुलिन का सिक्रेशन कौन करता है? लैंगरेंस द्वीप की बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स ग्लूकागोन का सिक्रेशन करती है और बीटा सेल्स इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है तो इसका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होगा और इसकी एंट्री से ये कुछ एंजाइमेटिक कैस्केड ऑन होगा और कुछ प्रोटीन काइनेजेज ऑन होंगे। अब हमें टारगेट याद रखना है कि इंसुलिन का मतलब है ग्लाइकोजन सिंथेसिस को क्या करना है, इंसुलिन की वजह से ग्लाइकोजन सिंथेसिस को ऑन करना है। और अगर ग्लाइकोजन सिंथेसिस को ऑन करना है इसका मतलब हमें जीएस को ऑन करना है, और जीएस को ऑन करना है इसका मतलब इसका करना है डीफॉस्फोराइलेशन, और डीफॉस्फोरेशन के लिए हमें एंजाइम चाहिए फॉस्फेटेज, फॉस्फोराइलेज फॉस्फेटेज वन, इस एंजाइम को ऑन करना होता है। अब यहां जो दे रखा है GSK3, GSK3 का जब फॉस्फोरेशन हो जाता है तो यह स्वयं ऑफ हो जाता है, तो इंसुलिन हार्मोन की प्रेजेंस में GSK3 का फॉस्फोरेशन कर दिया जाता है जिसकी वजह से ये GS का फॉस्फोरेशन नहीं कर पाता है और फॉस्फेटेज ऑन हो जाते हैं जो कि ग्लाइकोजन सिंथेज फर्स्ट को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके साथ एक घटना और होती है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, देखिए ये घटना होगी लीवर में, साइट इसकी होगी लीवर और एडिपोज टिश्यू। तो जो ये सेल्स हैं इनके अंदर ग्लट फोर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फोर की वेसिकल्स बनी रहती है जिनका ये एक्सोसाइटोसिस करवाएगा ताकि सेल मेम्ब्रेन में ये ट्रांसपोर्टर ऐड हो जाए ताकि ग्लूकोज को इंटेक किया जा सके सेल के अंदर। और जैसे ही ग्लूकोज का इंटेक किया जाता है इसको इफेक्टिवली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है हेक्सोकाइनेज के द्वारा। अगर हम लीवर की बात करेंगे तो यहां एंजाइम होगा ग्लूकोकाइनेज GK। जब भी ग्लूकोज पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाता है तो ये वापस बाहर नहीं जा सकता। अब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आगे फर्दर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी की जाती है। यदि हमें यहां पर ग्लाइकोजन सिंथेसिस करना है तो इससे ग्लाइकोजन का सिंथेसिस किया जाएगा। अब हम बात करें ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का मतलब अगर इस पर फॉस्फेट ग्रुप आप ऐड कर दोगे तो ये ऑन हो जाएगा और इसका टारगेट या रिजल्ट क्या होगा? ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना। और ग्लूकोज की मात्रा को इंक्रीज करने के लिए जो हार्मोन है वो होगा ग्लूकेगॉन। याद रखना ग्लूकेगॉन सिर्फ लीवर एंड एडिपोज टिश्यू पर ही वर्क करता है, मसल्स पर ये वर्क नहीं करता है। इसकी क्या विशेषता है? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है ये अपने सबस्ट्रेट बाइंडिंग के लिए कॉपरेटिविटी शो करता है। एंजाइम काइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे कि ये कॉपरेटिविटी क्या होती है। तो ये अगर फॉस्फेट की मात्रा अधिक है और अगर फॉस्फेट से एक बार जुड़ता है तो ये और अधिक फॉस्फेट से जुड़ के इसकी एक्टिविटी को ऑन करवाता है। ATP और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसके एलोस्टेरिक इनहिबिटर होते हैं जबकि AMP इसका एलोस्टेरिक एक्टिवेटर होता है। देखिए ATP और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यदि सेल में अधिक मात्रा में है इसका मतलब सेल में एनर्जी की कोई कमी नहीं है। यदि एनर्जी की कमी नहीं है इसका मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये इसको इनहिबिट करते हैं। और AMP इस बात का इंडिकेशन होता है कि सेल में एनर्जी की लेवल बहुत कम है, इसलिए उसे ATP की आवश्यकता है और ATP के लिए उसे ग्लूकोज की आवश्यकता होगी, इसलिए ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कराना पड़ेगा। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की 2 फॉर्म है, आर स्टेट और टी स्टेट। आर फॉर हम रिलैक्स कह सकते हैं अपन, टी फॉर टेंस कह सकता हूं। रिलैक्स कब होगा? जब वो एक्टिव होगा। टेंस कब होगा? जब वो इनएक्टिव होगा। अब हमने कहा कि एलोस्टेरिक एक्टिवेशन, देखिए एलोस्टेरिक एक्टिवेशन का क्या मतलब होता है? हम एंजाइम की
मान लो ये एंजाइम है, इसकी ये एक्टिव साइट है। इस एक्टिव साइट पर कोई अगर मॉलिक्यूल अदर देन सब्सट्रेट ऐड हो जाता है तो एंजाइम की एक्टिविटी प्रभावित होती है। लेकिन अदर देन एक्टिव साइट यदि कोई मॉलिक्यूल ऐड होता है और वो एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है तो उसे कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। तो इस जीपी की एलोस्टेरिक साइट पर यदि एएमपी जुड़ जाता है, यदि सेल में एएमपी की मात्रा अधिक है तो ये से बाइंड करेगा और बाइंड करने पर ये इसको क्या करेगा, ऑन करेगा, ये इसको ऑन करेगा, इसको मोर एक्टिव करेगा। यदि सेल में एटीपी और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की मात्रा अधिक है तो ये इससे बाइंड करेंगे और इसको लेस एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। लेस एक्टिव फॉर्म मतलब ये वर्क नहीं करेगा। कैफीन भी जीपी को इनहिबिट करता है। अब देखते हैं कि लीवर में ग्लूकागॉन और हार्ट मसल्स और स्केलेटल मसल्स में जो आपका एपिनेफ्रिन है वो कैसे वर्क करता है। जैसे ही ग्लूकागॉन एंटर करेगा, एडिनाइल साइक्लेज को ऑन करेगा, एडिनाइल साइक्लेज साइक्लिक एएमपी का प्रोडक्शन बढ़ेगा और इसकी वजह से साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ऑन हो जाएंगे, जिसे हम पीकेए कहते हैं। ये जो प्रोटीन काइनेजेज हैं ये क्या करेंगे, डिफरेंट प्रोटीन्स का फॉस्फोरिलेशन करेंगे और डिफरेंट प्रोटीन के फॉस्फोरिलेशन से कुछ प्रोटीन ऑन होते हैं, कुछ प्रोटीन ऑन ऑफ होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लीवर की, तो लीवर में सबसे पहले ये फॉस्फोरिलेज करेगा, फॉस्फोरिलेज काइनेज का, जिसकी वजह से ये ऑन हो जाएगा और ये ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को फॉस्फोरिलेट कर देगा। जीपी का जब फॉस्फोरेशन होगा तो क्या होगा, जीपी ऑन हो जाएगा और ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा। ग्लूकागॉन का टारगेट यही था कि ग्लूकोज की मात्रा को बॉडी में बढ़ाया जाए, तो ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। इसका दूसरा इफेक्ट होता है पीएफके2, ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम है। तो पीएफके2 को ये इनहिबिट करता है और फ्रक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेटेज इसको ये ऑन करता है। इसकी वजह से फ्रक्टोज 2,6-एफबीपी की लेवल कंसंट्रेशन घट जाती है और एफबीपी हमें ये बताया कि F2 2,6 जो बीपी है फ्रक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट ये पीएफके1 का एलोस्टेरिक रेगुलेटर होता है, एक्टिवेट करता है इसको। जब ये इसकी मात्रा कम होगी तो पीएफके1 इनहिबिट होगा, इसकी वजह से क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट होगी और ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट होगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ग्लूकोज का निर्माण और इसको ब्लड में रिलीज कर दिया जाएगा। तीसरा दे रखा है कि प्रोटीन काइनेज ए जो है वो GSK3 का फॉस्फोरेशन कर देगा। हमें पता है GSK3 क्या करता है, फॉस्फोरेशन करता है जीएस का, ग्लाइकोजन सिंथेज का, और जैसे ही ग्लाइकोजन सिंथेज का फॉस्फोरेशन होगा ये ऑफ हो जाएगा और ग्लाइकोजन सिंथेज के फॉस्फोरेशन से जब ये ऑफ हो जाता है तो ये फिर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन नहीं बना पाता। ये स्टोरी हो गई लीवर की। यदि हम बात करते हैं हार्ट मसल्स और हार्ट और कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स की, तो उसमें देखिए एपिनेफ्रिन का सिक्रेशन होता है। एपिनेफ्रिन हमें पता है, एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम एड्रेनलिन हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस कंडीशन में क्या होना चाहिए, स्ट्रेस की कंडीशन में बॉडी को हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमें ग्लूकोज की मात्रा की आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी और इसके लिए क्या करेगा, ये स्केलेटल मसल में ये पीएफके1 को ऑन करेगा। पीएफके1 ऑन होने से ग्लाइकोलाइसिस की रेट बढ़ेगी, इसकी वजह से एटीपी का प्रोडक्शन हाई होगा। हार्ट के अंदर ये पीएफके2 को एक्टिवेट करता है, देखिए यहां पर ये ऑफ कर रहा है, यहां पर ये ऑन कर रहा है पीएफके2 को, और ओवरऑल इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा ग्लाइकोलाइसिस की रेट बढ़ेगी, इसकी वजह से भी एटीपी की रेट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। अगर हम बात करें ग्लूकागॉन की, तो जैसे ग्लूकागॉन है वो सेल मेम्ब्रेन से अटैच होगा और इंट्रासेलुलर प्रोटीन एडिनाइल साइक्लेज को ये ऑन करेगा, इसकी वजह से साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई होगा। साइक्लिक एएमपी के हाई लेवल से क्या होगा, साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ए ऑन होगा और ये प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, डिफरेंट प्रोटीन्स का फॉस्फोरेशन करेगा, इसकी वजह से फॉस्फोराइलेज काइनेज का होगा फॉस्फोराइलेशन और वो हो जाएगा ऑन। जीपी का फॉस्फोरेशन से ये ऑन होता है हमें पढ़ा है, और इसकी वजह से क्या होगा, ये
फॉस्फोरिलेज काइनेज को ऑन करेगा जो कि जीपी का फॉस्फोरेशन करेगा, और ये ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज की इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से ग्लाइकोजन जीपी जब बॉर्न होगा तो क्या होगा, ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा और इस तरह से ग्लूकोज का लेवल हाई होगा। ध्यान रखना ग्लाइकोजन ग्लूकेगॉन जो है ये लीवर और एडिपोज टिश्यू पर वर्क करता है, जबकि आपका जो एपिनेफ्रीन है ये हमारे मसल्स पर एक्ट करता है। लीवर और एडिपोज टिश्यू पर एक्ट करने से ये ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, जबकि एपिनेफ्रीन का काम है सिर्फ मसल्स में हाई एनर्जी लेवल एनर्जी के लेवल को बढ़ाना और उसको ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना, एटीपी की मात्रा को बढ़ाना।